सॉरी, मुझे माफ कर देना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से अपने चैनल में। फाइनली एजाज खान ने माफी मांग ली। उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट करी, उसमें माफी मांगी कि मैं आपसे कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता जो उनके फॉलोवर्स हैं वो उनकी वीडियो देखते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला है मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी एंड हो चुकी है। देखो आप सबको मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते यारो। ये मेरा लास्ट वीडियो है कंट्रोवर्सी पे। मेरे को गाली गलौच नहीं करना है, मेरे को सीधा इनके पिछवाड़े में दम है तो धूपे धूप लड़ लेना है। बाकी मेरे को इन लोग को फेमस नहीं करना है और ना इन लोग के साथ कोई रिश्ता रखने का अपने को। तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, इफ दे आर बैड आई एम देयर डैड। हाँ, उन लोगों का बाप हूं मैं, लेकिन अभी बस अपन लोग ये गाली गलौच ये सब वो पब्लिकली नहीं, अकेले में उनको दिखा देंगे कौन किसका बाप है क्या है। बाकी सारे कुत्तों को भोंकने दो, तुम्हारे भाई का ये लास्ट वीडियो है इस पे। बाकी इन लोग को लेंगे और दिखाएंगे। लव यू यारो, अभी गाली गलौच नहीं यार। क्या है, मैंने कभी जिंदगी में पहले गाली गलौच नहीं किया, एक दो बार किया होगा कभी। औरतें बूढ़े बच्चे भी अपना वीडियो देखते, अभी इन लोग की तरह थोड़ी भिखारी लोग की जरा कोई फैन ही नहीं इन लोग के। अपने को तो औरतें बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं ना, फैमिली पसंद करती है। और मैं वो फैमिलियों से, वो औरतों से, वो बच्चों से, वो बूढ़ों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी। मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कुत्तों को समझाने का तरीका वही था, सॉरी मुझे माफ कर देना।